तो डेली कम से कम 100 लोगों को सामान दे रहा था। अब समझ लीजिए उसके दुकान में अंदर लिख निकाला जा रहा है कि कौन सा सामान लेगा, दुकान में दुकान में कौन सा सामान दे गया। इनको दिया जा चुका एक बार, यह देखा वो जी ये तो मैं उमा बालू संख्या पूछा काशी क्षेत्र मेरे परिवार का प्रभारी हूँ। मैं एक समाज सेविका हूँ, लेकिन आज पूर्वांचल विकास सेवा समिति जो हमारी खुद की संस्था है, मैं उसके द्वारा आज एक स्पेशल ईद किट बांट रही हूँ, जिसमें कि एक ऐसी मिठास जो हमारे ईदों में मनाई जाती है, खास करके कल अलविदा है, क्योंकि आज प्रशासन ने, चाहे आप सरकार हो चाहे प्रशासन से, समय समय से हमें सहयोग मिलता आ रहा है, इसलिए चाहे मुहर्रम का ताजिया हो चाहे ईद की नमाज हो, तो हम हर लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि वक्त को देखते हुए, हालात को देखते हुए, आज कैसे दौर से हम गुजर रहे हैं, तो आज गले और हाथ न मिले, दिलों को मिलाएं और खुशियाँ बांटें। आपकी जुम्मा का नमाज कैसे पढ़ा जाएगा, कहाँ पर पढ़ा जाएगा? जिस तरह प्रशासन का आदेश है कि अपने घरों में रह के आप ये नमाज अदा करें, और सबसे बड़ी बात सामाजिक दूरी को बना के रखें और सतर्क रहें, सुरक्षित। मेरा नाम डॉक्टर गुफान जावेद है, ये मैं पूर्वांचल विकास सेवा समिति का सचिव हूँ। ये आज किस तरह का आप लोगों ने कार्यक्रम किया है? ये हमारे संस्था के द्वारा जो मुस्लिम गरीब हाल हैं, परेशान हाल हैं, उनकी मदद करने के लिए छोटी सी पहल की गई है, ताकि ईद के मौके पे उन्हीं घरों में खुशियाँ आएँ और सेवई से अपने मुँह को मीठा करें और सामाजिक दूरी को बनाए रखते हुए जो दिशा निर्देश उसका पालन किया जाए। कल जुम्मे का आखिरी नमाज भी है, कल अलविदा का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कल जुम्मे का अलविदा का आखिरी नमाज है, लोगों से वही गुजारिश यही है कि जिस तरह सामाजिक दूरी बनाए रखे हैं लोग, उसको भी बनाए रखें, नमाजों को घर में अदा करें, लोग ईद के मौके पे दिल मिलाएं ना कि बॉडी मिलाएं, दूर से ही लोगों को नमस्ते करने की आदत डाल लो, और यही है कि ईद के वक्त जो लोग नमाज पढ़ते हैं, आराम करने का एक लहजा होता है, इसी तरह से भी हम लोग मना, बेशक बेशक, तो इस मौके पर हम चाहेंगे कि लोग नमस्ते ना करके आदाब भी कर सकते हैं, गले ना मिलाएं ना हाथ मिलाएं, दिल मिलाएं।